What's up guys, my name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see ES 7 and ECMAScript 2016 in Hindi. So let's begin. जी हाँ guys, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ECMAScript 2016 in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं. सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस. और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े. और अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट thapatechnical.com पे विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें मेरे सारे वीडियो के सोर्स कोड आपको गाइस फ्री में अवेलेबल मैंने किया हुआ है. तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में सिंपली उसको आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, ये देखिए ES5 एंड ES6 ECMAScript 6. ठीक है, आज जो मैं बनाने जा रहा हूं वो है ECMAScript 7 के ऊपर. तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा ये वीडियो, ठीक है, इट मींस अगर आपको नहीं मालूम व्हाट इज ES6, ECMAScript नाम कैसे पड़ा, जावास्क्रिप्ट पहले आया या ECMAScript पहले आया, इनकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, क्यों एनुअली हर साल नए नए अपडेट्स आ रहे, तो गाइस वो सब के सब मैंने आपको सिर्फ इस एक वीडियो में, सिर्फ 30 मिनट का ये एक वीडियो, बिलीव मी गाइस आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपके बहुत सारे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. इसको एक बार आप जरूर देखिए. ये ES7 पहले देखने से आप पहले इसको देखिए, इसमें आपको सब पता चल जाएगा कि ECMAScript 6 इज द मेजर चेंज. ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आए थे. ठीक है, तो आप इसको एक बार पहले जरूर देखिए और आज हम देखते हैं ECMAScript 7. ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ECMAScript 7 में ज्यादा चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए. ठीक है, सिर्फ दो चेंजेस आए थे और मे भी हो सकते छोटे मोटे आए, लेकिन दो मेजर चेंजेस थे जो बहुत पॉपुलर हुए, पॉपुलर इन द सेंस मतलब जो इसको ज्यादा हाईलाइट किया गया. ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस ES7 मतलब ECMAScript 2016. तो 2016 में जो नाम रखा गया था वो ES7 था. ठीक है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था उसको एक बार जरूर देखिए, पूरा डाउट क्लियर होगा कि क्यों ECMAScript 2016 को ES7 बोला, ES6 क्यों नहीं बोला, 20 जो ECMAScript 2018 उसको फिर ES9 बोला हुआ है, तो वो सब क्या है उसको एक बार आप जरूर देखिए. तो वो सिर्फ आपको मेरे जो प्रीवियस वीडियो है ECMAScript उसमें आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ टॉप पे लिंक भी दे दूंगा. ठीक है, तो गाइस आज हम सिर्फ यही दो अपडेट देखने वाले, क्योंकि मेजर यही दो अपडेट है ES7 में. अगर आपसे कोई पूछता भी है इंटरव्यू में तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ES7 में या ECMAScript 2016 में या ECMA 2016 में दो मेजर चेंजेस आए थे, वो थे इंक्लूड्स. ये बेसिकली गाइस आपका एरे में आप इसको यूज करते हो. ठीक है, मोस्टली ये एरे का एक मेथड है इंक्लूड, जिसको नया अपडेट मिला है. एंड देन वी हैव अ एक्सपोनेंशिएशन. ये बेसिकली इसमें सिर्फ दो स्टार यूज होते हैं जो आपका पावर देता है, जैसे 2^4 कितना हुआ, जितना भी हुआ, तो वो बेसिकली पावर बताता है. ठीक है, एंड देन ये इंक्लूड्स. तो देखिए गाइस ये इंक्लूड्स बहुत यूजफुल है और ये भी बहुत यूजफुल है. हालांकि इसका अल्टरनेटिव है हमारे पास जो था math.pow, समझ लो सेम वही काम ये कर रहा है. तो आप भी हम क्या करेंगे इन दोनों को वन बाय वन प्रैक्टिकली देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले गाइस इंक्लूड्स देखिए. इंक्लूड्स क्या करता है, अगर आप सिंपली देखिए, लेट से आपने एक फ्रेंड्स बनाया, ठीक है, आपने एक पार्टी रखा जहां पे आपके दोस्त लोग आने वाले थे साथ में. तो गाइस यहां पे आप देखिए क्या करता हूं मैं, तो मैं एक एरे बना लेता हूं जहां पे आप उनको क्या कर रहे हो गाइस, उन दोस्तों का नाम लिख रहे हो जो आपके पार्टी में आ रहे. सो पार्टी इक्वल टू, यहां पे मैं एरे बना लेता हूं. ठीक है, और एरे के अंदर फिलहाल अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए तीन वैल्यू डाल देता हूँ इस तरीके से. सो पहले मैं लिख देता हूँ विनोद. ठीक है, आप गेस कर चुके हो गाइस मैं कौन सा नाम लिखने वाला. ठीक है, एंड देन मैंने लिख दिया इस तरीके से थापा, मेरा ही नाम है, और मैंने हिट कर दिया गाइस एंटर. ठीक है, ऑलराइट, नाउ ये पार्टी नाम का जो एरे उसमें देखिए भाई मेरे पास ये देखिए 0 नंबर इंडेक्स पे विनोद, 1 पे बहादुर, 2 पे थापा, ये मेरे को मेरी वैल्यू मिल चुकी है. ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ. ठीक है गाइस, अभी देखिए पार्टी मेरे को मिल चुका है. अब मैं जैसे डॉट प्रेस करता हूँ ना एक्स, तो मेरे पास जितने भी एरे के मेथड्स है वो सब मुझे एक्सेस हो जाता है. सो इतने सारे देखिए कितने सारे भरे पड़े, बट नाउ ES7 में एक नया इंक्लूड किया गया है. देखिए गाइस नाम भी कैसे आ रहा है, ES7 में एक फ्यूचर को इंक्लूड किया गया और उसका नाम ही इंक्लूड है. ठीक है, सो इंक्लूड्स लिखना है, एंड देन ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कि जिस दिन को आपने पार्टी में बुलाया था, जिनका नाम आपने इंक्लूड किया हुआ है, वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं. लेट से गाइस मैंने क्या चेक किया, उसमें विनोद था या नहीं, विनोद नाम का कोई है या नहीं. मैं अगर एंटर हिट करता हूं, बूम गाइस ये देखिए, आई होप आप लोग को दिख रहा है. ठीक है, इस तरीके से देखिए, अब उसी तरीके से इसको मैं अगेन कैंसिल करके यहां पे अब चेक करता हूं, मैंने बहादुर भी लिखा था. ठीक है, सो मैं थापा लिख देता हूं. ऑलराइट ट्रू,
परफेक्ट, वापस उसी तरीके से गाइस मैं इंस्टेड ऑफ थापा में कुछ और नाम लिख देता हूँ, लेट्स से मैं थापा टेक्निकल लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, थापा टेक्निकल लिखे, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए गाइस, अच्छा आप देख सकते हो कि एक एरर है, कोई नहीं, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, क्योंकि उधर सिंगल कोट्स इधर डबल कोट, परफेक्ट, बूम गाइस। ये देखिए, अगर वो नाम उस पर्टिकुलर एरे में नहीं है, मतलब ये पार्टी नाम के एरे में अगर वो नाम नहीं है, तो इसका जो आउटपुट आता है वो फॉल्स, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो गाइस इंक्लूड्स का ये काम होता है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्टली। अब देखिए, अब ये इंक्लूड का मैं आपको एक फंक्शन दिखाता हूँ। लेट्स से गाइस आपके घर में पार्टी था और आप नहीं चाहते कि कोई भी मेहमान अंदर घुसे, तो आप उनसे पहले अपना नाम पूछना चाहोगे, है कि नहीं। तो नाम अगर परफेक्ट बोलता तो ही एंट्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसको आप कैसे लिखोगे, देखिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है जिसका सॉरी एक मेरे पास एरे है जिसका नाम है पार्टी, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि गाइस मैं पूछूं इनसे कि आप लोग का नाम क्या, अगर नाम परफेक्ट बोलता तो ही हम अंदर आने देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सो नाम पूछने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट, ठीक है, नेम्स, इस तरीके से नेम्स लिख देता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट यूज करने वाला हूँ, इसमें मैं नाम पूछूंगा बेसिकली उनसे, ठीक है। सो जोजोफ, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, इस तरीके से व्हाट इज योर नेम, ठीक है, इस तरीके से गाइस मैंने उनका नाम पूछा, क्वेश्चन मार्क, परफेक्ट। तो जब मैंने नाम पूछा ना, अब मैं ये चाहता हूँ कि उसमें चेक हो, समझ रहे हो, जब मैंने नाम पूछा तो, लेकिन हम ये चेक कैसे करेंगे कि ये नाम उस लिस्ट में है या नहीं। सो सिंपल, उसके लिए देखिए इंक्लूड्स का कैसे हम यूज करते, देखिए मैं क्या करूंगा, एरे जो था मेरा पार्टी है कि नहीं, पी ए आर पार्टी डॉट इंक्लूड्स ब्रैकेट के अंदर गाइस मैं ये वाला नाम, ये वाला जो वेरिएबल है नेम्स, ये पास कर दूंगा इस तरीके से। तो बेसिकली अगर व्हाट इज योर नेम के समय मैंने लिखा विनोद, तो विनोद जो वैल्यू है वो इसके बदले आ गया, नेम्स का वैल्यू हो गया विनोद, तो बेसिकली इस नेम्स में अब मेरा नाम आ गया विनोद, तो पार्टी डॉट इंक्लूड्स विनोद, इनडायरेक्टली मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिला ये या तो हमें ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, समझ रहे हो, इंक्लूड्स का जो आउटपुट होता है इट मे बी इधर ट्रू और फॉल्स, तो वो ट्रू और फॉल्स को भी मुझे गाइस स्टोर करने के लिए मैं एक कॉन्स्ट बना लेता, क्योंकि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, चेक लिख देता हूँ इक्वल टू, ठीक है, परफेक्ट। तो अब जो भी नाम होगा वो इसमें चेक होगा। अब एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ सिंपल सा, अगर ये वाला नाम इक्वल टू ट्रू है, मतलब इसमें इंक्लूड्स होके अगर वो ट्रू निकला तो वेलकम, अदरवाइज यू आर नॉट इन्वाइटेड। तो यहां पे देखिए इस तरीके से लिखा मैंने चेक, अभी फिलहाल ये वाला चेक की वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, चेक इज इक्वल टू ट्रू, ट्रिपल इक्वल टू, अगर वो ट्रू है, ठीक है, देन हम अलर्ट करा देंगे यू आर इन्वाइटेड, इस तरीके से सिंपली हम लिख देंगे यू आर इन्वाइटेड, एल्स, ठीक है, अगर नहीं है देन वॉट, अलर्ट कराएंगे यू आर नॉट इन्वाइटेड, इस तरीके से यू आर नॉट इन्वाइटेड, इस तरीके से लिख देंगे सिंपली इन्वाइटेड, परफेक्ट। इतना ही करना था गाइस हमें, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से मैंने एंटर हिट किया, देखिए मुझसे मेरा नाम पूछ रहा, व्हाट इज योर नेम, अगर मैं लिखता हूँ विनोद, ठीक है, मैंने विनोद लिख के एंटर हिट किया, बूम गाइस यू आर इन्वाइटेड, ओके। अब मैं इसको वापस नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने कॉन्स्टेंट और लेट यूज कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, यहाँ पे इसके बदले इसको मैं पेस्ट किया, मैंने बाकी कुछ नहीं किया। सो इसको मैं वापस कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चिपका देता हूँ, परफेक्ट, मुझसे मेरा नाम पूछेगा। अब देखिए गाइस, विनोद बहादुर थापा लिखा, लेकिन अगर मैं थापा टेक्निकल लिखता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, ये देखिए गाइस पार्टी इज नॉट डिफाइंड, तो आप देख सकते हो एक एरर आ गया, पार्टी इज नॉट डिफाइंड, और उसका रीजन ये है कि गाइस जब मैं उस समय पार्टी को मैंने बनाया था क्रिएट, तो वो उसको मैंने अभी तक ऐड नहीं किया, तो बेसिकली इस एरर को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से ऐड, जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है। देखिए सिंपली इस तरीके से इसका कंडीशन को मैं और छोटा कर दूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, इफ नहीं तो एल्स, ये ठीक है, इस तरीके से सिंपल सा ये, ऑलराइट। इतना सा हमने लिखा इंक्लूड्स पता लगाने के लिए, अब मैं वापस रिफ्रेश कर सकता हूं, मुझसे मेरा नाम पूछेगा। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं इस तरीके से थापा टेक्निकल, बूम गाइस यू आर नॉट इन्वाइटेड, बिकॉज थापा टेक्निकल नाम है ही नहीं। वन मोर टाइम इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, अब इस समय मैं अगर थापा लिखता हूं, बूम गाइस यू आर इन्वाइटेड, तो परफेक्ट। आपको पता चला इंक्लूड्स का कितना काम है, आप सिंपली कितना इजी हो गया अब आपके लिए पता लगाना कि कौन इन्वाइटेड है कौन इन्वाइटेड नहीं है, ठीक है। अब उसी तरीके से गाइस ये बहुत सिंपल है, ये इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये एक न्यू कंसोल पे आ जाता हूँ, ठीक है, इसको कंसोल पे जाके इसको हटा देता हूँ। देखिए दूसरा है एक्सपोनेंशिएशन,
इसका मतलब पावर, एक्सपोनेंशिएशन मतलब ये डबल स्टार, ये आपको डबल स्टार लिखना है बस, दिस इज इट। तो ये क्या कर रहा है देखिए, और लेट स्क्वायर लिख देता हूं मैं, ठीक है। आप अगर आपको स्क्वायर पता लगाना है, सो टू मल्टीप्लाई टू रेस टू पावर टू, मतलब दो का पावर दो बार, ठीक है। अब मैं अगर स्क्वायर लिखता हूं इस तरीके से, बोमगा इसे देखिए 24, सेम वही काम हम कैसे हासिल कर सकते थे, मैथ डॉट पाव, ठीक है। यहां पे आपको पहले बेस देना है जो कि है 2, बेस मतलब नीचे का, और उसका पावर कितना 2, दो को दो बार 2 इंटू 2, 2 रेस टू पावर 2 4, उसी तरीके से, ठीक है। तो यही दो अपडेट्स आए थे गाइस, मैं आप इसको एक और यूज दिखाता हूं, लेट क्यूब लिख देता हूं मैं, ठीक है। मतलब आप देखिए कैसे, सो 2 का इस तरीके से लिख के मैं 3 लिख दूंगा, तो इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से, ठीक है। अगर आप 4 लिखते हो तो 4, अगर आप 5 लिखते हो तो 5, इस तरीके से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो इस तरीके से चल रही है। अब मैं अगर 3 लिख के करता अनडिफाइंड, अब वैसे अगर मैं क्यूब कॉल करता हूँ, सो आई हैव अ वैल्यू 8, अगेन अब मैं क्यूब को वापस छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेंटा लिख देता हूँ, समझ रहे हो, पेंटा लिखा, पेंटा के बदले 3 के बदले अब अगर मैं 5 लिख देता हूं और यहां पे पेंटा कॉल करता हूं 32, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। सो गाइस इतना ही था, मैं वंस अगेन आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप पहले जरूर देखिए, ये मस्ट है, मतलब ES6 का आपका नॉलेज होना ही चाहिए, ECMA स्क्रिप्ट क्या है वो आपको मालूम होना ही चाहिए, तो इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। और इसका कोड गाइस मैं अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे विजिट कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, तो आप इसको भी एक बार जरूर एक्सेस कीजिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड देन जब आप सब्सक्राइब करोगे गाइस मेरे चैनल को, राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए, आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।